प्रॉस्पेरिटी एंड हाउ टू अट्रैक्ट इट, ये बुक का टाइटल है और ये बुक लिखी है ओरिसन स्वेट मार्डन ने। मैं इस बुक के आपको 5 लेसन आज शेयर करूंगी। इन सारे लेसन्स को जब मैं खुद भी सुन रही थी तो मुझे यकीन हो गया था कि यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मीन्स हम जो हैं वो हमने जैसा बिहेव किया, हमने जैसा सोचा, हमने जैसे डिसीजन लिए, उसके कारण ही हम यहाँ हैं। और जब हम इन सब चीज़ों को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रियलिटी भी चेंज होती है। जब हम लॉ के अकॉर्डिंगली जीवन जीना सीख जाते हैं, मीन्स आपको अगर कोई गेम खेलना है तो अगर आपको उसके रूल्स पता हैं तो आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो और जीत भी सकते हो। तो ऐसे ही ये जीवन का गेम है, अगर इसके रूल्स आपको पता हैं तो आप जो चाहो वो पा सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, ह्यूमन ब्रेन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल। हम एक्चुअली फिजिकल तो हमारी ये इक्विपमेंट है, मेन हम आत्मा है और हमारी आत्मा इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस से भरी हुई है। मीन्स जैसे पानी का फ्लो ऊपर से पहाड़ से जमीन की ओर नीचे की ओर आता ही रहता है हमेशा, बशर्ते कि बीच में कोई उसमें ब्लॉकेज ना हो, बीच में कोई उसमें बाधाएं ना हो। वैसे यूनिवर्स का अबंडेंस आपके जीवन में लगातार बह रहा होता है। हम उसमें बैरियर क्रिएट करते हैं, ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, किस चीज़ के फियर के करते हैं। हमको फेथ नहीं रहता है, हम डाउट में रहते हैं, हम लैक लिमिटेशंस में सोचते हैं। तो वो जो फ्लो है अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, मनी का, वेल्थ का, आइडियाज का, इंटेलिजेंस का, वो वहाँ रुक जाता है। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छे से यकीन हो गया कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे वो बन सकते हैं। बस हमको ये जो ब्लॉकेज है इसको हटाना है। तो इस बुक के मैं 5 लेसन्स आपको शेयर करूंगी। बहुत ही अमेजिंग बुक है, आप हर कोई जाके उसको पढ़ो। उसकी ऑडियो बुक यूट्यूब में आप डालोगे तो फ्री है, आप उसको सुनिए, स्टडी कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। तो पहला जो मैं आपको बताने वाली हूँ, यू आर नॉट लिमिटेड और आपकी सप्लाई भी लिमिटेड नहीं है। ये पहला इसका लॉ है, यू आर नॉट लिमिट टू सप्लाई। मीन्स आपकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। आप एक देखिए, एक गरीब व्यक्ति गरीब ही पैदा होता है और गरीब ही मर जाता है। जैसे मान लो इस बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि रैग पिकर इज ऑलवेज रिमेनिंग रैग पिकर बिकॉज ही हैज अ विजन ऑफ रैग पिकर। वैसे ही हमारा जैसा विजन रहता है हम वैसे ही बन जाते हैं। मीन्स आपको ये आज इस वीडियो के थ्रू यकीन करना है और ये सच है कि यूनिवर्स की सप्लाई आपके लिए अनलिमिटेड है। बस आपको क्या करना है, विश्वास रखना है, क्योंकि हम ईश्वर के सबसे चहेते बच्चे हैं। जब हमारा फादर, हमारी जो स्पिरिट है या जो हमारा परमात्मा है या जो सुप्रीम पावर है, उसके पास किस चीज़ की कमी है, तो उसके जब हम बच्चे हैं तो हमारा पूरा अधिकार उसकी सारी धन दौलत सुख समृद्धि शांति उस सब पे हमारा पूरा अधिकार है। बस हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम सोचते हैं नहीं, ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, मैं कभी प्रॉस्पेरस नहीं बन सकता हूँ, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, बोलते हो, तो इसको तुरंत खत्म कर दीजिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर जो फियर रहता है उसको आज खत्म कर दो आप। तो पहला लेसन तो यही है कि हमारी सप्लाई अनलिमिटेड है। एंड सेकेंड है, स्टॉप रॉन्ग थिंकिंग। मैंने कई बार इस चीज को आजमाया है कि हम गलत तरीके से सोच रहे होते हैं। हमारे ट्रेडिशन में हमको सब कुछ सिखाया जाता है पर हमको सही तरीके से कैसे सोचा जाए ये नहीं सिखाया जाता। और अगर ये सिखाया जाए तो कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम बार बार सोचते हैं कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम तो हाउसवाइफ हैं, हम क्या कर सकते हैं, या कई बच्चे सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। अगर ऐसा ही हर कोई सोच रहा होता तो जो इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं वो वहाँ कभी नहीं पहुँचे होते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम गलत जो सोच रहे हो उसको सोचना हमको बंद करना चाहिए। मीन्स यू हैव ऑल द इंटेलिजेंस एंड स्किल्ड
एंड अबंडेंस, सब कुछ है आपके पास। आप काम करने की कोशिश तो कीजिए, एक कदम तो बढ़ाइए, यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा हुआ रहता है, यूनिवर्स हैज ऑलवेज योर बैक। तो कहाँ से आपके पास लोग आएंगे, कहाँ से पैसा आएगा, यू नेवर नो, बट आप कदम तो बढ़ाओ। आपके पास पैसा नहीं है तो आप आइडिया लेके पैसे वाले लोगों के पास जाओ, बात करो, वो फाइनेंस करेंगे। हर चीज के लिए यहाँ पे लोग हैं, बस आपके पास क्या है, आप उसको लेके आगे काम करो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में हमेशा। आप इस तरीके की बात ही सोचो कि आई हैव ऑल द स्किल, मेरे पास सारे स्किल है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहो वो बन सकता हूँ। इस तरीके से आपको सही सोचना है अपने बारे में, कभी भी अपने निगेटिव चीज़ें नहीं सोचना है। तो स्टॉप रॉन्ग थिंकिंग एंड स्टार्ट थिंकिंग राइट, यू कैन डू एनीथिंग। थर्ड जो रूल है या थर्ड लेसन आप कह सकते हो कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ और इन यूनिवर्स इज हैपनिंग और बेस्ड अपॉन बाय प्रिंसिपल्स और कुछ लॉ के थ्रू हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ भी चीज कोइंसिडेंसली नहीं हो रही। कई लोग बोलते हैं ना आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप लकी हो इसलिए अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग रहती है, उसके पीछे बहुत सारी सोच रहती है, तब वो व्यक्ति सक्सेसफुल बनता है। आप देखिए मार्स में भी लोग गए हैं, स्पेस मून में भी लोग जा चुके हैं। तो क्या ये सब कोइंसिडेंटली हुआ, या इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई हैं, अमेजोन कंपनी देख लो, और भी बहुत सारे लोग, जो स्टीव जॉब को देखो और अनगिनत लोग हैं, धीरू भाई अंबानी को देखो, ये सब लोग क्या कोइंसिडेंटली बन गए? नहीं, इनके पीछे एक पूरी प्रोसेस है और वो प्रोसेस कहीं ना कहीं उनकी सोच से शुरू होती है और सोच के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, मींस उन्होंने भी इंस्पायर्ड एक्शन लिए। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में हो रही है, आपकी लाइफ में हो रही है, यूनिवर्स में हो रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लॉ है। मींस आप उन सभी चीज़ों को जो भी आपके जीवन में है, जो अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सारे कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंगली होता है। मीन्स कई लोग बोलते हैं मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, 111 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप अलाइनमेंट में हो, आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, बस आपको उसी दिशा में बढ़ते जाना है और काम करते जाना है। और जब हमको ये पता चलता है कि वी आर ऑन द राइट पाथ, तो हम खुशी से भर जाते हैं और हम और अच्छे से काम करने लगते हैं। तो यस माय डियर फ्रेंड, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंगली होता है, इसीलिए लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो बी पॉजिटिव और पॉजिटिव चीजें ही आपकी लाइफ में आएंगी। एंड फोर्थ थिंग है, जो फोर्थ लेसन है वो है, ऑलवेज थिंक बिग अबाउट योर सेल्फ, या मेक बिग विजन अबाउट योर सेल्फ। अपने लिए एक बहुत बड़ा विजन बनाइए, क्योंकि जब आप बहुत बड़ा सोचोगे तब आप कुछ बड़ा कर पाओगे। इवन आप जब 100 टाइम्स कुछ चीज करने की सोचते हो तो 10 टाइम्स तो डेफिनेटली हो ही जाता है। तो अपने लिए एक बड़ा विजन बनाइए, अपने बिलीव्स को बड़ा बनाइए, कभी लैक लिमिटेशंस में मत सोचिए, और उसके अनुसार आप काम भी करना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे चीजें आपके जीवन में बदलने लगेंगी, सब चीज पॉजिटिव होने लगेंगी। एंड लास्ट लेसन है, यू शुड नो हु यू आर, यू शुड नो द ट्रुथ, मीन्स आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। और जिस दिन आपको ये सच्चाई पता चल जाती है, यूनिवर्स से सब चीज आपकी लाइफ में आने लगती है, यू बिकम द मैग्नेट ऑफ एवरी गुड थिंग, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे कुछ भी चीज हो। तो आप कौन हो जब आप ये जान जाते हो, तो फिर आपको कोई भी चीज़ की डिज़ायर नहीं रह जाती। हम अपने आप में कंप्लीट हैं और हमारे जो स्पिरिट है उसमें सब कुछ, इन्फिनिट अबंडेंस, इंटेलिजेंस, सब कुछ है। आपकी जो डिज़ायर है वो एग्जिस्ट करती हैं और इसी पल वो ऑलरेडी डन है। अब्राहम हिक्स भी वो बोलते हैं ना, वोर्टेक्स में एवरीथिंग इज डन, बस हमको सही वाइब्रेशन में आना है। और वो कैसे आओगे? जब आप अच्छा फील करोगे, जब आप अच्छा महसूस करोगे, तो आप
वही डिजायर के इक्विवेलेंट वाइब्रेट करते हो और वो चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो आपके पास कोई लैक लिमिटेशंस नहीं है, आप जो चाहो वो कर सकते हो। बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। अपनी एक बिग इमेज बनाइए, आपके जो गोल है आप उनको लिखिए अच्छे से, और हर चीज के लिए थैंकफुल रहिए। ये एक जादू की तरह काम करता है, चमत्कार है। आप जितना थैंकफुल रहोगे, आपके पास जो चीजें हैं वो उतनी ही यूनिवर्स आपको और लाके देगा, क्योंकि वहां ये मैसेज जाता है कि हाँ इसको ये पसंद है तो और लाके दो। तो वो ऐसे ही और इंसिडेंस क्रिएट करते जाता है कि आपको बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत पड़े। आई होप दिस 5 लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अ बिग 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 पर्सन। And we will be meet in our next video. Till then.